Okay, good morning, good evening, good afternoon, class. Today we are starting with the topic of acid, bases and salts. तो जैसे हम अपने normal daily life का अगर example लें तो acid ऐसे substance होते हैं which are salt to taste, मतलब इनमें खट्टापन होता है. जैसे कि we can talk about lemon. Lemon एक ऐसा fruit है which comes under the category of citrus fruit क्योंकि उसमें citric acid present होता है और इसी citric acid की बदौलत हमारा जो नींबू या lemon होता है उसमें आपको एक सार टेस्ट या खट्टा टेस्ट आता है. सिमिलरली बेसिस आर बिटर इन टेस्ट. बेसिस आर बिटर इन टेस्ट रीज़न इसका बहुत सारा होता है. फॉर एग्जाम्पल सोडियम लॉरल सल्फेट SLS करके एक सब्सटेंस यूज होता है विच इज़ अ वेरी प्रॉपर बेस विच इज़ यूज इन सोप्स, जिसके वजह से उसका टेस्ट बिटर होता है. अदर एग्जाम्पल्स में इंक्लूड सब्सटेंसेज सच एज यू नो कर्ड, इफ दे फर्मेंट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तो एसिडिटी तो आ जाती है, बट साइड बाई साइड अगर उसका आपने जो एक्सट्रैक्टेड प्रोडक्ट यूज किया जैसे कि पनीर या फिर कॉटेज चीज, आफ्टर अ लॉन्ग फॉर्मेशन देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ सर्टन काइंड ऑफ बेसिस विच गिव्स इट अ बिटर टेस्ट एंड सोप्स ऑल्सो हैव अ बिटर टेस्ट. नाउ यहाँ पे एक डेली लाइफ का एग्जाम्पल दिया है. फॉर एग्जाम्पल आप ये चाहो तो क्वारंटीन के समय अपने घर पर भी ट्राई कर सकते हो. इट्स अ वेरी गुड एक्सपेरिमेंट. वेरी सिंपल है. आपको एक वाइट क्लॉथ लेना है. आपको एक वाइट क्लॉथ लेकर क्या करना है, उस वाइट क्लॉथ पे आपको टर्मरिक का स्टेन करना है, मतलब आपको हल्दी लेनी है, उसका एक पेस्ट बनाना है और उसको स्टेन करना है येलो होके. उसको थोड़ा ड्राई होने दीजिए. वंस इट इज़ ड्राइड यू विल ऑब्जर्व इट्स कलर इज येलो. नाउ अब आप क्या कर सकते हो, आपके घर पर कोई भी जो नॉर्मल सोप है आप वो सोप यूज़ कर इसको जो स्टेन है वहाँ पर रब करोगे, यू विल क्लियरली सी वो जो कलर है वो रेडिश ब्राउन में ट्रांजिशन हो जाएगा. अगेन इफ यू वॉश इट, देखिए येलो कलर था इनिशियली, सोप से हमने जब वॉश किया उसको तो उसका कलर क्या आएगा, रेडिश ब्राउन. अब वापस अगर हमने इसको कंटिन्यूसली वॉश किया तो येलो अगेन. तो ये जो कलर चेंज आया दिस इज अ काइंड ऑफ एन इंडिकेशन. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जब हम व्हीकल चलाते हैं वी गिव एन इंडिकेशन इफ यू आर गोइंग टू टर्न लेफ्ट और राइट बाई द इंडिकेटर्स प्रेजेंट ऑन द व्हीकल. तो सिमिलरली हम इंडिकेटर्स यूज करके डिटरमाइन करते हैं. फॉर एग्जाम्पल टर्मरिक इज अ क्लासिकल एग्जाम्पल यहाँ पे टू डिटरमाइन द बेसिक नेचर ऑफ एनी कंपाउंड और एसिडिक नेचर. ना हमारे एनसीईआरटी में एक टेस्ट टू परफॉर्म करने के लिए दिया गया है, दैट इज़ बेसिकली वी आर गोइंग टू टेक दीज एग्जाम्पल्स. फॉर एग्जाम्पल वी आर गोइंग टू टेक HCl विच इज़ एन एसिड, H2SO4 विच इज़ अगेन एन एसिड, HNO3 दैट इज नाइट्रिक एसिड, CHCOH दैट इज एसिटिक एसिड, एंड देन वी आर गोइंग टू टेक अ कैटेगरी ऑफ बेसिस सच एज NaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड. नाउ बेस्ड ऑन द गिवन क्राइटेरियाज, मतलब जो हम टेस्ट करेंगे हम किस बेसिस पे होगा, हमारे पास सर्टेन इंडिकेटर्स है और वो कैसे कलर चेंज दिखाएंगे, वी आर गोइंग टू लुक इन टू दैट नाउ. नाउ एज यू प्रीवियसली स्लॉ जो हमारे पास इंडिकेटर्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास लिटमस पेपर एज एन इंडिकेटर हुआ, तो लिटमस पेपर की प्रॉपर्टी क्या है, ब्लू लिटमस चेंजेस टू रेड कलर व्हेन प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ एन एसिड, ओके, एंड रेड लिटमस चेंजेस इट्स कलर टू ब्लू व्हेन इट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ अ बेस. तो मतलब ये ब्लू टू रेड कब होता है, जब एसिड होता है, ठीक है, रेड टू ब्लू कब होता है, जब बेस होता है, रिमेंबर दैट. नाउ मिथाइल ऑरेंज इज वन ऑफ द बेस्ट इंडिकेटर्स दैट वी कैन कम अक्रॉस बिकॉज इट हैज थ्री डिफरेंट कलर रेंजेस टू शो. ओरिजिनली एज द नेम सजेस्ट ऑरेंज, तो उसका न्यूट्रल कलर या फिर जब पीएच उसका न्यूट्रल होता है तो वो ऑरेंज कलर दिखाता है. जब हम उसमें एसिड ऐड करते हैं तो उसका कलर हो जाता है पिंक, और जब हम उसमें बेस ऐड करते हैं तो येलो. सो गिवन फ्रॉम आर प्रीवियस शीट जो हमने अभी प्रीवियसली देखा, तो आपको असाइनमेंट ये है कि हर एसिड के साथ क्या होगा. फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने HCl लिया होता तो ये सिर्फ ब्लू टू रेड रिएक्शन दिखाता, ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट इफ आई हैव टेकन HCl तो ये सिर्फ ब्लू टू रेड दिखाता, रेड टू ब्लू नहीं होता बिकॉज इट्स नॉट अ बेस, इट्स एन एसिड, ओके. अगर मैं मिथाइल ऑरेंज यूज करता तो एसिड के प्रेजेंस में उसका कलर पिंक होता, HCl के प्रेजेंस में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के प्रेजेंस में उसका कलर क्या होता, पिंक होता. अगर बेस होता तो क्या होता, येलो. फिनोफ्थैलीन ऑन द अदर हैंड इज यूज्ड फॉर टाइट्रेशन मेथड्स. ओरिजिनल कलर कलरलेस होता है, एसिड में भी कलरलेस ही होता है, बट व्हेन इंटरैक्टेड विद अ बेस इट शोज अ पिंक कलर. सो दैट वाज जस्ट योर इंट्रोडक्शन टू द चैप्टर कि व्हाट आर एन एसिड, व्हाट इज अ बेस एंड हाउ डू दे रिएक्ट. नाउ आई विल रिक्वेस्ट यू ऑल एज वी बिगिन एंड प्रोसीड थ्रू द लेक्चर्स, स्टार्ट कॉपिंग वट एवर वी हैव रिटन ऑन दिस शीट बिकॉज ये आपके नोट्स की तरह आपको हेल्प करेगा. एंड वाइल वॉचिंग द वीडियो यू कैन पॉज इट एंड यू नो राइट इट डाउन टू मेक इट मच मोर क्लियर. ठीक है, थैंक यू फॉर योर टाइम.